किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हाई अलर्ट है। आपको बता दें, आज किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही थी, जिसके बाद से नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं, ये दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है, और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ना सिर्फ नोएडा के हिस्से में बल्कि दिल्ली के हिस्से में भी। नोएडा और दिल्ली की पुलिस ने इस दौरान कोऑर्डिनेशन भी किया है, और आपको बता दें कि लगातार जो भी गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से, उन पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान लंबे वक्त से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, 25 नवंबर से पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में शुरू किया, उसके बाद यमुना अथॉरिटी का घेराव किया, और अब दिल्ली कूच की बात कही है। कल करीब 2 घंटे तक हाई पावर कमेटी को लेकर बैठक हुई, चर्चा हुई, उसकी सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई। साथ ही 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% प्लॉट, और जो किसानों के बच्चे हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण में जा रही है, उनको लाभ देने की बात कही गई है। इसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लंबे वक्त से, और इन्हीं सब सिफारिशों को लागू करने के लिए आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ठीक 24 घंटे पहले तीनों प्राधिकरण, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी मनीष वर्मा और सीपी लक्ष्मी सिंह के साथ एक बैठक हुई। 2 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बैठक पूरी तरीके से विफल रही, जिसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान किया है। नोएडा और दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स, और आप देखेंगे इस तरीके से बॉर्डर पर बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है। दिल्ली के हिस्से में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। संसद घेराव की बात कही है किसानों ने, और उसी को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और आप देखेंगे, इधर मैं कैमरामैन प्रहलाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये यूपी पुलिस के जवान है जो तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी है, ताकि ट्रैफिक संबंधित कोई समस्या ना हो। और जो तमाम गाड़ियां जा रही हैं, बस हैं, इसके अलावा जो कार हैं, जो ट्रैवल टैक्सी की गाड़ियां, उनको चेक किया जा रहा है। और इस चेकिंग के दौरान जो भी अगर किसान मिलता है तो उसे रोकने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस तरीके से चेकिंग जो नोएडा दिल्ली के बॉर्डर है, तमाम जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, और साथ ही बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसानों को रोका जा सके। और माना जा रहा है कि ऐसे में जो यातायात है वो भी अवरुद्ध हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों को मनाने में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन कामयाब होता है, या किसान दिल्ली कूच करेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। कल की दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है, दिल्ली कूच जा रहे हैं। कल 2 दिसंबर हम दिल्ली कूच करेंगे महामाया फ्लाईओवर के नीचे से। 12 बजे सभी साथी वहां पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पर अपना 10% प्लॉट, अपना आबादी का निस्तारण, अपने नए कानून के हिसाब से अपना मुआवजा, उसके बेनिफिट सब लेके रहेंगे। हम अपने प्लानिंग में कोई भी बदलाव नहीं है हमारी में ना करने जा रहे हैं, और सही मायने में अपने जनता के प्रति, अपने किसानों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। पूरी ईमानदारी से हम 10% प्लॉट के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। नहीं मिले प्राधिकरण के तीनों प्राधिकरण के अधिकारी सीओ थे, और हमारे कमिश्नर मैडम, डीएम साहब, जॉइंट सीपी, सारे एडीएम साहब, सारे अधिकारी थे। उनका भाव यही था कि भाई किस तरह हम आंदोलन को मोड़ दें, परंतु सही मायने में हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, जनता के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। हम पूरी तरह से अपनी मूवमेंट के लिए पूरी तरह तैयार कर रहे हैं।